अब तो वो निकल गया सर, अभी उसके अरे निकल गया तो किसका, उनका कोई कोई उनकी जायदाद तो नहीं है ना, निकालने का रीजन तो कांग्रेस से बीजेपी तक देना चाहिए। आप क्या गवर्नर को पिटीशन देंगे लोकायुक्त? ना कोई नहीं, गवर्नर भी गवर्नमेंट का होता है, साइंड होता है, मेमोरेंडम पिटीशन से कुछ नहीं होता है। अब ये जो चीज़ मैं ईश्वरप्पा के ऊपर दिया हूँ वो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, जो करना, जो हुबली का पुलिस डिपार्टमेंट जो लूज FIR बनाया। अब बताइए सर हुबली के बारे में, आप हुबली का जो इंसिडेंट है उसको कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि डीजे हल्ली में जो पिछले साल हुआ था उसी टाइप का इसको ऑर्केस्ट्रा किया गया है, प्लान्ड किया गया है, आप कैसे देखते हैं? डीजे हल्ली बताइए, डीजे हल्ली में भी हुआ था और हुबली में भी, हड़ताल ना करें, साइलेंट हड़ताल करें, हमारे हवाले करो, हमारे पोजीशन में करो, वो कानून में गलत है, वो जो करने के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो करे गलत है, उसको जो कौन करवाए वो गलत है, मगर जैसा आपने डीजे हल्ली के अक्यूज को दो दिन में क्लीन चिट दे दिए, कोर्ट से निकल गए, पुलिस की सिक्योरिटी के साथ उसको रखे थे, ऐसा ही कर देंगे ये व्हाट्सएप वालों को भी, वो ये लोगों के दिल में था, पूरी कर्नाटक के पब्लिक में भी है, मुसलमानों में है कि भाई जो डीजे हल्ली वाले को हुआ, जो अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे से जो हुआ, जो काम जो शुरू किया था वो काम वैसा ही इज्जत से छोड़ के उन्हें अपनी चेयर बनाएगा, तो ये उम्मीद से वहाँ पे खिलाफी करें, खिलाफी हद तक करना चाहिए था, मगर जो FIR करे वो FIR ना ईश्वरप्पा के ऊपर करे, ना दूसरे जितने लोग हैं जो बोल रहे हैं, फलां बोल रहे हैं ये करो वो करो, नलिन कटील हो, आनंद कुमार हो, दूसरे हैं जो स्वामी है, वो बोला हम बलात्कार करेंगे और दूसरा बोला हम झंडा उधर लगा, उनके ऊपर कुछ नहीं किए, करने के नाम के लूज FIR बनाते हैं, उनको अरेस्ट नहीं करें, अरेस्ट करके आज तक आपके बंधन में नहीं रखे, तो ये लोगों को जो करना चाहिए कानून के तहत वो मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं, वो गलत है, जो मुसलमान फोर्स जाते हैं वो भी गलत है, उसको कौन भड़काते हैं, कौन सी पार्टी भड़काते हैं वो भी गलत है, मुसलमानों का वो भी उन्हें मिसगाइड करते हैं, मगर मुसलमानों को जो हुबली में हुआ, जो डीजे हल्ली में हुआ, ये क्यों होता है करके मुसलमान ऐसा बोला कि भाई हमारे को ये आदमी को दो, आदमी को देना नहीं देना पुलिस का काम है, उसको क्या करना, मगर इंसाफ सही करना, जैसा हर कौमावादी को छोड़ा है ऐसा इनको भी लिबरल छोड़ना है, पीसफुल मीट करना है, वो नहीं किए उन्होंने। तो ये डीजे हल्ली में आप एक पार्टी बने थे और आपने कोर्ट में पिटीशन भी डाली थी, तो क्या हुबली इंसिडेंट, वायलेंस इंसिडेंट में भी आप कुछ करेंगे? नहीं, अभी जो होगा देखेंगे, अभी तक किधर भी कोमावादी का ये FIR नहीं लगे, जो आगे देखते के मान इसके ऊपर जो स्टोन का होगा, पेल्टिंग का होगा, जो हमारे मक्के के ऊपर, मुसलमान के मक्के के ऊपर जो पत्थर पड़ा, अबेक पड़ा, वो पत्थर उन्हें दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करें, कानून में गलत है वो, मगर पड़ा तो पत्थर मक्के के ऊपर। तो आप डिमांड करते हैं कि हेट मॉन्गर्स को भी अरेस्ट किया जाए, ऐसा बोल, क्या मांग क्या है? किसी को नहीं किए, जो रेप करने वाला करता ही रहा है, बोलता ही रहा है, जो घर मार के दिन दहाड़े फोड़ने वाला फोड़ता ही रहा है, जो झंडा लगाने वाला लगाता ही रहा है, जो जात के मामले में आ रहे हैं इन आते रहे हैं पूरे, किसी को ना एक नोटिस है ना कोई इंक्वायरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं सर? कानून इनइक्वालिटी ना रहे, कोमावादी ना रहे, कोमावादी है ना, मुसलमान को भी सिखाना चाहिए गलत में वो अपने चीज़ों में आए तो, कोमावादी ना होना चाहिए, कोमावादी के खिलाफ काम करना है तो इक्वालिटी होना चाहिए इसमें, जो चीज़ है जो हुबली में जो गुजरा वो भी, मध्य प्रदेश में जो गुजरा ये भी, और ये ऐसे जो तमाम चीज़ें जो हैं हर चीज़ में भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, चाहे मुसलमानों को भड़कावे में लाने का, मगर कानून अपना काम करें, कानून अपना काम ये लोगों से भी वही करें जो दूसरे कोमावादी स्प्रेड किए, इनको भी यही करें, जो या 90% उम्मीद है कि भाई जैसा KG Alley में मामला हुआ हमारे नबी का, ऐसा ही अल्लाह के घर के ऊपर भी यही फैसला होगा करके भयकाव में आए हैं।